कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी खाते में पैसा आने का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं, जो अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। अभी अभी 5 मिनट पहले की बड़ी खबर ईपीएस पेंशन को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला। पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात। पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले, उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सेवानिवृत्ति आयु से लेकर महंगाई भत्ते और एरियर तक आ गई 3 बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, वहीं पे कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर हाईकोर्ट ने शानदार फैसला दिया है। इसके साथ ही 2016 से एरियर देने का निर्णय कोर्ट की तरफ से आ चुका है। तो चलिए सभी खबरों को फटाफट जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तोहफा, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट का जबरदस्त फैसला, सेवानिवृत्ति आयु को लेकर नहीं किया जा सकता भेदभाव। पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान का फायदा। चलिए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तोहफा, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 21 फरवरी 2018 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि 10 मई 2001 के बाद जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हुई है, ऐसे कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष होगी, यानी कि 10 मई 2001 के बाद भर्ती सभी चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अब 58 साल पर ही रिटायर कर दिए जाएंगे। इस आदेश को लेकर बहुत बवाल हुआ था और यह मैटर कोर्ट में चल रहा था। आखिरकार इसको लेकर कोर्ट का शानदार निर्णय आ चुका है। हिमाचल हाई कोर्ट का जबरदस्त फैसला, इसको लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार के 21 फरवरी 2018 के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला दिया है। कोर्ट के जारी आदेश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर ही रिटायर किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 60 साल की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है, उन्हें वापस बुलाया जाए, सेवानिवृत्ति आयु को लेकर नहीं किया जा सकता भेदभाव। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर किया जा रहा भेदभाव अवैध है, इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया है, उन्हें नौकरी के लिए वापस बुलाने और 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर 2 वर्ष का वेतन देने का आदेश भी दिया। पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश दिनांक 28 मई 2024 को जारी किया गया है, जिसमें ऐसे सेवानिवृत्त पेंशन भोगी बटा फैमिली पेंशन भोगी जिनको अनंतिम पेंशन प्रोविजनल पेंशन का भुगतान 4थे अथवा 5वें वेतनमान के तहत किया जा रहा है, ऐसे पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि जिनकी प्रोविजनल पेंशन 4थे वेतनमान के तहत निर्धारित की गई है, तो अब उनके महंगाई भत्ते में 40% की बढ़ोतरी की गई है। अब आगे से उनको 1,345% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो अभी 1,305% है। वही जिनकी प्रोविजनल पेंशन 5वें वेतनमान के तहत निर्धारित की गई है, तो अब उनके महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की गई है। अब उनको 280% की जगह 291% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 1 मार्च 2024 से इसका लाभ दिया जाएगा। वेतनमान वर्तमान की दर वृद्धि नई दर 4थे वेतनमान के तहत 1,305% 40% 1,345%
पांचवें वेतनमान के तहत 280%, 11%, 291%। सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान का फायदा। हिमाचल हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने रिटायर कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी, जिसका लाभ उनको नहीं दिया गया था। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। ये याचिकाकर्ता 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। डीए हाइक ऑर्डर, बड़ी खुशखबरी, कर्मचारियों को मिलेंगे पुराने पेंशन का पूरा पैसा। हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पुराने पेंशन योजना कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद भी आधी सैलरी के रूप में जीवन भर की आय की गारंटी देता है। यह योजना उसे कर्मचारियों के लिए लाई गई है जिनको एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन होता है और जो लोग भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जरूरी है? हम आपको बता दें कि जो पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी उनकी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा दिया जाता है, जो कि उन्हें पेंशन के रूप में मिलती है, यह योजना कर्मचारियों को उनके जीवन भर की सुरक्षा देता है। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए यह योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उन्हीं के लिए उनके सेवाकाल के बाद भी आर्थिक स्थिति सुधरे रहने के लिए की जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर उत्तराखंड राज्य का बड़ा फैसला। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग में अपने राज्य के कॉलेज में पुराने पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सभी पत्र टीचरों के लिए उनका विवरण मांगा है, ताकि उन्हें पुराने पेंशन योजना से जोड़ा जा सके और उन्हें इस योजना का लाभ दे सके। ओल्ड पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए पात्रता का होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना सिर्फ उत्तराखंड राज्य के शिक्षकों को ही दी जाएगी। शिक्षक जो भी 2005 से पहले नियुक्त हुए हैं, सिर्फ वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन भी शिक्षक ने 10 वर्ष से ज्यादा की सेवा पूरी की है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 2005 के बाद जिन भी कर्मचारियों को नौकरी मिली है, वह इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। 6000 से अधिक शिक्षकों को ओल्ड पेंशन का लाभ। आपको बता दें कि यह योजना उत्तराखंड विभाग के द्वारा लाई गई है। उत्तराखंड राज्य के लगभग 6000 से भी ज्यादा शिक्षक को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। उच्च शिक्षा विभाग में सभी संबंधित शिक्षकों को अपना विवरण जमा करने का आदेश दिया है, जिससे उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।